नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑपरेशन स्टाफ ने एक ये केस सॉल्व किया है जिसमें फॉरेक्स कार्ड में नकली फॉरेक्स कार्ड पे पैसे ट्रांसफ़र करके ये एक इंटरनेशनली ऑपरेटिंग गैंग इन्होंने पिछले 3 साल से ICICI बैंक को 64 लाख रुपए का जो है ठगी की थी उनके साथ। हमारे पास जब एक हमारी कंप्लेनेंट हमारे इलाके की सिविल लाइन्स थाने की वो आई, जब वो इंग्लैंड गई 2022 में, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने 2019 में जो 11 लाख रुपए का एक फॉरेक्स कार्ड लिया था उसमें पैसे डाले थे तो वो वहाँ पर 0 रुपए दिखा रहा था। तो उन्होंने आके पुलिस को हमें अप्रोच किया, हमने इंक्वायरी में जब बैंक में जाके देखा तो 3 साल में बैंक के 64 लाख का ये डिफरेंस उनके उसमें फॉरेक्स वाले डेटाबेस में आया। हमने इस पे संज्ञान लिया, FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन की, बहुत ही इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 4-5 महीने चलती रही जिसमें थाईलैंड, हांगकांग और UAE की ट्रेल आ रही थी। जो हमारा मेन वहाँ पर ज़ीरो इन, हमने एक सोनल नाम का शख्स है उस पर ज़ीरो इन हुआ, उनकी LOC खोली लेकिन तब तक वो इंडिया उनकी मूवमेंट आ गई थी, उनको हमने अरेस्ट किया। चलते चलते हमें एक पारस नाम के शख्स का पता चला जिससे इनको ये जो जितने भी इनके विक्टिम हैं उनका डेटाबेस मिला था। पारस इसी बैंक का एक झंडे वाला ब्रांच का एक एम्प्लॉई रहा है, अभी एक्स एम्प्लॉई है। पारस ने ये सारा हैच की कॉन्स्पिरेसी, उसने देखा कि एक पर्टिकुलर फॉरेक्स से हम उस फॉरेक्स के पहले तो उस कार्ड का कस्टमर केयर को कह के उनका ईमेल और उनका फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद एक डमी फॉरेक्स पे नंबर पे ये सारे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर इस पे जब OTP या अदरवाइज मैसेज आता है तो वो अभी जो इनके नया नंबर है जिन्होंने दिया उस पे आता है। तो इस तरीके से इन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का जो कि दिल्ली, हांगकांग, थाईलैंड में बैंकॉक और UAE में दुबई में ये घोटाला किया है। इनसे हमें रिकवरी हुई है। अभी जो मेन अक्यूज्ड हैं इनसे मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, डोंगल और कुछ गाड़ियां 2 मिली हैं जो इन्होंने खरीदी हैं। इस पे बैंक से हमने बात करके जो हमारी मेन कंप्लेनेंट थी उनका जो 11 लाख रुपया है बैंक ने, बिकॉज ये एक तरीके का लैप्स ही है, तो बैंक ने उनको पैसा वापस कर दिया। कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी तक 2 आरोपी पकड़े गए हैं जी, कुछ और भी होने की संभावना? एक आरोपी अभी हमारी तफ्तीश में आया है लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन इट इज़ वेरी प्रीमैच्योर टू टेल ऑफ की व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल जो अक्यूज्ड। क्या सेक्शन लगा है सर? ये जो FIR है दिसंबर 2012 में हमारे यहाँ रजिस्टर हुई है और 420 IPC में जो ये केस दर्ज हुआ है।